जिला सवाई माधोपुर के खंडार ब्लॉक के ग्राम पंचायत छाण के गंडायता गांव में सन 2015 के पहले सड़क नहीं थी। गांव के बाहर गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल बना हुआ था, लेकिन इस हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए महिलाओं को, पुरुषों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। डिलीवरी भी होती जब घाट पे लेके चार आदमी झुक के जिसे हम मेरे मुर्दा को ले जाते हैं ना, ऐसे नहा सु मरे मुर्दा के तरह ले मा जाता है रोड पे। कोई डॉक्टर की कोई की ना आवा की हिम्मत को नहीं, जान पर परेशान हो जाओ तो जान पर भी मरो ना। रोड की वजह से टीकाकरण भी सही नहीं हो पाता था क्योंकि हमें रास्ता ही मिलता ही नहीं था। औरतों को बहुत परेशानी होती थी, गिरते पड़ते कैसे भी करके आना पड़ता था हमें यहाँ पे। इन्हीं मुसीबतों को देखते हुए उसी गांव के एक नेत्रहीन व्यक्ति हनुमान गुर्जर ने सन 2010 18 फरवरी को इस गांव के सड़क बनाने का प्रयास चालू किया। कि मेरा गांव में एक बेरवा समाज में से एक लड़का था मुकेश नाम का, उनके घर और परिवार में लड़ाई हो गई थी, कोई झगड़ा हो गया, उसने रोष माते गुस्से में कोई दवाई पी ली थी। अगर मेरा गाँव में रोड होता तो वो लड़का नहीं मरता। उसके बाद में दो तीन एक डिलीवरी में लुगाई की मौत भी हो चुकी, ऐसे मेरे से देखा नहीं गया। रोड को बनाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? कई बार तो कलेक्टर के पास भी गया हूँ मैं, जयपुर भी गया हूँ मैं, राज्यपाल के पास भी गया हूँ मैं, अशोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसके पास भी गया हूँ मैं, कैबिनेट मंत्री के पास भी गया हूँ मैं, एसडीएम साहब के पास भी गया हूँ मैं, तहसीलदार के पास भी गया हूँ, पटवारी के पास भी गया हूँ, सरपंच के पास भी गया हूँ, ऐसे मतलब अधिकारी छोड़े नहीं है मैं जो उनके पास गया नहीं हूँ। क्या इसके लिए ग्राम पंचायत ने भी कोशिश की थी? पूरी पूरी कोशिश की थी। तो फिर सफल क्यों नहीं हो पाए? मेरी भाई भाई मैं समझौता हूँ क्या, इधर और नहीं कटवा दूँ, इधर और नहीं कटवा दूँ, ऐसी बात बनती रही। क्या आपको इस काम में आपके समुदाय के लोगों ने साथ दिया? साल छह महीने दिया, सब ने ऊंचा हाथ कर दिया, सब साइलेंट हो गया। ये तो अपने पैरों पे खड़े रहे, मुझे तो ये रास्ता बनाना ही, अंत में जा रहे नहीं, ये भी कह दिया अगर ये रास्ता भी नहीं निकलेगा तो मैं आत्मसमर्पण भी कर दूंगा। 2015 अगस्त को खंडा ब्लॉक के विधायक जितेंद्र कोटवाल द्वारा इस गांव की सड़क का निर्माण कराने के लिए उद्घाटन करवाया गया। बहुत अच्छी स्थिति है हमारे लिए, तो बहुत ही अच्छा है। इन सबका शुक्रिया अदा करते हैं हम इनका, अपने हनुमान भाई का, तो इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है इस गांव के लिए, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये रोड में सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी लगी है और इस रोड को बनाने का श्रेय किसे देना चाहते हैं? हनुमान जी को।